जबलपुर से इंदौर जा रही यात्री बस सोनकच्छ के समीप पुष्पगिरी के पास पलट गई, जिसमें अधिकांश यात्रियों को चोट आई है। दो गंभीर घायलों को देवास जिला चिकित्सालय भेजा, जिसमें एक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जबलपुर से इंदौर की ओर जा रही हंस ट्रेवल की यात्री बस क्रमांक MP09FA9219 सोनकच्छ के समीप पुष्पगिरी के पास पलट गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जिन्हें आसपास के लोगों ने निकाला और कुछ घायलों को सोनकच्छ शासकीय अस्पताल भेजा गया है। दो गंभीर घायलों को जिला अस्पताल देवास भेजा गया। इनमें खरगोन के निवासी बद्री प्रसाद मुलवे व राधेश्याम शर्मा को अधिक चोट आई। बताया गया है कि राधेश्याम शर्मा और उनका लड़का अर्पण घटना स्थल के समीप गौशाला में काम करने जा रहे थे। सड़क किनारे खड़े थे और अचानक से बस पलट गई, जिसमें दोनों चपेट में आ गए। इस हादसे में राधेश्याम शर्मा की मौत हो गई। राधेश्याम शर्मा के पुत्र अर्पण को बस से निकालकर देवास रेफर किया गया है, जहां प्राथमिक उपचार जारी है। घायल बद्री प्रसाद मुलवे की पत्नी द्वारा यह बताया गया है कि वह उनके लड़के से मिलने जबलपुर गए थे। वहां से कल रात को बस में बैठे थे। बस चालक अंध गति से बस चला रहा था। बस के ब्रेक भी नहीं लग रहे थे, जिसके चलते बस 2 से 3 बार पेड़ों से टकराई भी थी और अचानक से बस पलट गई। हम देवास की गाड़ी है ये, और हमें पता चला, फोन आया कि सोनकच्छ के पास पुष्पगिरी के पास बस पलटी खा गई है। तो हम गाड़ी लेकर पहुँचे, इनको लेकर आए तो इनकी डेथ हो गई है। बाकी इनके बालक बताया जा रहा है वो गाड़ी के नीचे ही फंसा हुआ है, और बस जो है हंस ट्रेवल की चार्टर्ड बस है। कि लोग घायल है जो बस के कांच फोड़ कर ऊपर निकल आए, और इनको बाहर ये बाहर थे। बाकी एक इनका लड़का बताया जा रहा है वो बस के नीचे अपने भोपाल से इंदौर आ रही थी गाड़ी। आपका परिचय भी सर? जी मैं MT आनंद गुरु जबलपुर से आ रहे थे भैया जी। इंदौर आ रहे थे हम, हाँ? स्लीपर थी, हाँ? और उसमें सब जो हम आ रहे थे और ऑनलाइन हमारी टिकट बुकिंग करी हमारे लड़के ने, और हम यहाँ आ रहे थे। तो रास्ते में गाड़ी तेज चल रही थी, तो उसका ब्रेक नहीं लग रहा था बहुत देर से, वो तो बहुत दूर से परेशान हो रहे थे, और यहाँ आके हमारा गाड़ी पलटी खा गई। कितने लोग थे दीदी गाड़ी में? करीब गाड़ी में कम से कम 50 जन होंगे भैया। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मतलब अचानक कोई सामने वाहन आया था या? नहीं कुछ नहीं, वाहन नहीं आया सामने। अच्छा, वाहन इनको तो आंख लग गई थी, मैं जग रही थी, मेरे को पता है। दो बार पहले भी झार से रख रही थी, मैंने इनको बोला कि झार से गाड़ी रगड़ा रही, ये बोले कि ये पागल है, उसको भी जिम्मेदारी है। अच्छा, ऐसे करके मेरे को ये शांत बोल रहे, क्योंकि मेरा जीव जरा ज्यादा घबराता है सर जी, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, मतलब पहले से ऐसा चल रहा था गाड़ी? गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा था भैया, बहुत दूर से कम से कम यहाँ से कम से कम। अच्छा, जबलपुर से कितनी बजे निकली होगी? शाम को 9:15 बजे। कौन से ट्रेवल्स की गाड़ी थी कुछ मालूम? गाड़ी का नाम हंस ट्रेवल्स की गाड़ी। चलिए, आपका नाम दीदी? नबू मुलेवा। आप जबलपुर से बैठे थे गाड़ी में? हाँ, जबलपुर से बैठे हैं। ठीक। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।